जर्मनी धमाकेदार अंदाज में वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से रौंद दिया। शानदार जीत के साथ जर्मनी की टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंची। इस मैच में जर्मनी ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए गोल की झड़ी लगा दी। पहले हाफ में जर्मनी ने 5 गोल करके अपनी जीत पक्की कर दी थी। दूसरे हाफ में भी जर्मनी ने 2 गोल करके बढ़त को 7-0 कर दिया था, लेकिन फिर ब्राजील ने 1 गोल करके हार के अंतर को 1 गोल से कम कर दिया। मैच के 23वें मिनट में गोल करके जर्मनी के मिरास्लो क्लोजा ने इतिहास रच दिया। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ये क्लोजा का 16वां गोल था। इस गोल के साथ ही उन्होंने ब्राजील के रोनाल्डो के 15 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस मैच का पहला गोल करने वाले थॉमस मुलर ने भी गोल्डन बूट की रेस में खुद को 5 गोल के साथ नंबर 2 पर लाकर खड़ा कर दिया है। गोल्डन बूट की रेस में मुलर कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगेज से पीछे हैं, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 6 गोल किए हैं। हालांकि रोड्रिगेज की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और मुलर के पास गोल्डन बूट की रेस में आगे जाने का एक और मौका है, जो उन्हें संडे को होने वाले फाइनल में मिलेगा। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच देर रात 1:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर एक तरफ 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की टीम अपने तीसरे खिताब को जीतने की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी, तो वहीं 3 बार फाइनल का सफर तय करने वाली और 1 बार भी न जीतने वाली नीदरलैंड की टीम पहली बार इस खिताब को अपने नाम करने के लिए एक बार फिर फाइनल का टिकट चाहेगी। मोदी के सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह आज बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में अमित शाह के नाम पर लगेगी मोहर। दोपहर 12:30 बजे होगा नाम का औपचारिक ऐलान। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है वह उसके ऊपर है। कांग्रेस पहले अपना घर देख ले। केवल एक ही परिवार शुरू से लेकर आज तक अध्यक्ष बनता रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो मैं जानता हूं कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के ऊपर भी इस प्रकार के आक्षेप करते रहे। हमारा मामला है, हम देखेंगे। उनको समस्याएं जाए अदालत में, जिसके ऊपर जाए एफआईआर कराना है कराएं। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष के पद की रेस में अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा और ओम माथुर भी थे, लेकिन बाजी मारी अमित शाह ने। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को ही अमित शाह बीजेपी के शहंशाह बन जाते, पर राजधानी एक्सप्रेस हादसे की वजह से ऐलान टल गया। अमित शाह मोदी के बेहद करीब हैं। बीजेपी अध्यक्ष बनने से मोदी की पकड़ सरकार और संगठन दोनों पर होगी। अमित शाह को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत दिलाने का इनाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 10 से 71 तक पहुंच गई। अमित शाह की बाजीगरी से ही ये संभव हो सका। आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में भी फिर से विधानसभा चुनाव के आसार बन रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि अमित शाह इन राज्यों में वही करिश्मा दिखा सकते हैं। अमित शाह के गांव मानसा में खुशी की लहर है। गांधीनगर के छोटे से गाँव मानसा से ही अमित शाह ने 10वीं तक की पढ़ाई की। उनके दोस्त का कहना है कि स्कूल से ही उनमें लीडरशिप क्वालिटी थी। अच्छे या बुरे वक्त होते हैं, अच्छे प्रसंग में जितने आते हैं उससे ज़्यादा वो बुरे वक्त में हमारे साथ रहते, कंधे से कंधे मिलाकर हमको, वो नेतृत्व का पूरा हमारा नेतृत्व इतना बढ़िया है कि हम उस पर आज भी गर्व करते हैं कि हमारा मानसा का एक शेर वो इंडिया का शेर बनने जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह सतीश उपाध्याय बने दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष। दक्षिण दिल्ली एमसीडी के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय। आज होगा इसका औपचारिक ऐलान। मोदी सरकार के पहले आम बजट से पहले आज आएगा आर्थिक सर्वे। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद के पटल पर रखेंगे 2013-14 का आर्थिक सर्वे। बजट में क्या होगा इसकी झलक आर्थिक सर्वे में देखी जा सकती है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंगलवार को महंगाई पर बहस को लेकर टीएमसी और बीजेपी के सांसद उलझ गए थे। टीएमसी सांसदों ने बीजेपी से बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया था। बाद में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीएमसी सांसदों के आरोप के जांच के आदेश दिए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता पद का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंच गया। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने इस मुलाकात में विपक्ष के नेता के साथ राज्यपाल का मसला भी उठाया। कांग्रेस यूपीए सांसदों का हस्ताक्षर करने में लगी हुई है ताकि इसे मेमोरेंडम के तौर पर पेश किया जा सके। यूपी के कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कुंडा के जियाउल हक हत्याकांड की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। इस रिपोर्ट में राजा भैया को क्लीन चिट दी गई थी। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच फिर से करने का आदेश दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा लग रहा है कि मेरे जस्टिस की लड़ाई का ये पहला कदम आज साबित हो गया कि मुझे जस्टिस जो है मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, और न्यायालय से ये प्रूफ भी हो गया आज। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रविवार को पटना में उनके फ्लैट में चोरी हुई थी, लेकिन शाम होते होते पुलिस ने न सिर्फ चोरों को धर दबोचा बल्कि चोरी का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने चोरों से 1.25 करोड़ कैश, डॉलर और गहने बरामद किए हैं। बरामद माल ही गिरिराज सिंह की परेशानी बढ़ा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद को अब जवाब देना है कि इतने पैसे आए कहां से। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया केस की जांच एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। मुंबई पुलिस आज से नेस्वाडिया के गवाहों के बयान दर्ज करेगी। नेस ने अपने बचाव में पुलिस को 9 गवाहों की लिस्ट सौंपी थी। प्रीति जिंटा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर पर वानखेड़े स्टेडियम में सरेआम बस सलूकी का आरोप लगाया था। प्रीति जिंटा ने अपने पक्ष में कई गवाहों के नाम भी दिए थे जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं। झारखंड के पलामू में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इन पर 4 जुलाई को ललमटिया गांव में वन विभाग के निर्माण कार्य में लगी 3 जेसीबी मशीन को जलाने का आरोप है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 4 राइफल बरामद हुई है। बिहार के नालंदा में नाव पलटने से 17 लोग डूब गए, इनमें से 12 लोगों को बचा लिया गया। 1 महिला और 4 छात्राओं का कोई पता नहीं चला। हादसा नालंदा के धनावाडीह गाँव में हुआ। 2 दिन पहले ही सरमेरा और धनावाडी ही गांव के बीच बना पुल टूट गया था। स्थानीय प्रशासन ने नाव मुहैया कराई थी, लेकिन उस नाव में छेद था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जिंदगी जीत गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद 13 साल के बच्चे को 20 फीट लंबी सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार 50 साल के हाथी राजू को छुड़ा लिया गया। वन विभाग की मदद से वाइल्ड लाइफ संस्था के कार्यकर्ताओं ने मथुरा में हाथी को जंजीरों से मुक्ति दिलाई। हाथी के मालिक ने 50 साल से उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा था। कोल्हापुर में बारिश करवाने के लिए लोगों ने गधे की शादी करवा दी। लोग इसे पुरानी परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। ढोल बाजे के साथ बारात शहर के शिवाजी चौक से निकली और पूरे शहर में घुमाई गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब तक बारिश नहीं हुई है, इससे किसान बेहद परेशान है। राजधानी दिल्ली में अब नहीं मिलेगा मुफ्त का पानी। मंगलवार को पानी के अवैध कनेक्शन पर जल बोर्ड का डंडा चला। दिल्ली के नबी करीम इलाके में 400 कनेक्शन पाइप समेत काटे गए। फिर बना दिल्ली का एक पार्क मौत का पार्क। पार्क में करंट लगने से एक बच्चे की जान चली गई। जगतपुरी इलाके में 9वीं क्लास का अक्षत पार्क में क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसका पैर बिजली के खंभे के नीचे पड़े तार पर लग गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। पुलिस ने घर के नौकर नीरज पर शिकंजा कस दिया है। नौकर ने शातिराना अंदाज में पुलिस को कॉल कर गुमराह भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चालाकी चल नहीं पाई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर के नौकर ने बुजुर्ग महिला का कत्ल कर लाश जलाने की कोशिश की। पुलिस को शक है नौकर महिला पर बुरी नजर रखता था। दिल्ली के खजूरी खास में बदमाशों की दरिंदगी दिखी। मीटर रीडिंग के बहाने 2 बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने चाकू दिखाकर 40 साल की महिला के साथ दरिंदगी शुरू कर दी। पूरे जिस्म को खून खून कर दिया।
रेप की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी, शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर काफी लोग जमा हो गए। लोगों ने दरवाजा तोड़कर एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि दूसरा फरार हो गया। मैं लड़ती रही, लास्ट में जब सोचा वो सोचा था मैं बेहोश हो गई, लेकिन बेहोश नहीं हुई, थोड़ा सा शांत होके फिर ऐसे दोनों को झटक के फिर उठ के बैठ गई। बैठ के मैंने हाथापाई किया बहुत सारे। जब पड़ोस वाले ने लात मारा दरवाजे में, दो चार बार लात मारा, तब सोचा पड़ोसी जाग गए, फिर उन्होंने भागने का कोशिश किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बॉयफ्रेंड बन गया दरिंदा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्तों के साथ अगवा किया। गैंगरेप के बाद उसे सिगरेट से दागा और दरिंदगी पर उतर आया। एक फोन कॉल पर लड़कों में हुए झगड़े के बाद लड़की को चलती गाड़ी से फेंक कर फरार हो गए। बाद में पीड़ित लड़की ने पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। सर निकल रही थी जब, तो आखिर तो उसका एक फ्रेंड था योगेश पंडित, और दो अननोन थे, उनको मैंने कभी पहले नहीं देखा। पीछे से बैल लेके आए, वाइट कलर की थी, 07 से नंबर शुरू था, तो उनको पीछे से आके ना खिड़की को अपना वो गेट खोल के और ना वैसे मेरा यू कॉलर पकड़ के अंदर को खींच लिया। फुटबॉल के पिता पेले के बेटे एडसन नास्टिमेंटो को ब्राजील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ड्रग माफिया से साठ गांठ का आरोप है। नास्टिमेंटो को सांतोस से गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वो अपने घर पर थे। अगर उनका गुनाह साबित हो जाता है तो उन्हें 33 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया चिड़ियाघर में नन्हे मेहमान आए हैं। ये हैं अफ्रीकन शेर के बच्चे। 18 साल बाद यहां किसी शेर के बच्चे का जन्म हुआ है। शावक और उसकी मां दोनों स्वस्थ हैं। अफ्रीकी शेरों की तादाद लगातार घटती जा रही है। यही वजह है कि फिलाडेल्फिया चिड़ियाघर में इस ब्रीडिंग प्रोग्राम की कामयाबी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। आखिरकार वेनेजुएला की बेशकीमती पेंटिंग मिल ही गई। इसकी कीमत $30 लाख आंकी गई है। ये पेंटिंग साल 2002 में वेनेजुएला की राजधानी के म्यूजियम से चोरी हो गई थी। जुलाई 2012 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने मियामी बीच के एक होटल से इसे बरामद किया था। अब अमेरिका उस पेंटिंग को लौटाने जा रहा है।